नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल नैन डायरी फार्म पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों तक पहुँच सके। अगर वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो अपना फेसबुक पेज जो नैन डायरी फार्म के नाम से है उसे लाइक करें, फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो हम आपको एक बहुत ही शानदार मुर्रा नस्ल की गोटी दिखाएंगे, तो आप देख सकते हो बिल्कुल बहुत ही नीचे की अच्छी और ऊपर से भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा साफ सफाई की गोटी है। तो गोटी के बारे में पूरी डिटेल लेंगे, तो आइए भाई साहब। राम राम भाई काला। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं जी। मेरा नाम है दीपक और दीपक है, गांव दमथान साहिब। गांव दमथान साहिब है। मैं बता देना चाहता हूँ, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं ये अपने गांव से वीडियो लेके आए हैं, गांव दमथान साहिब, जिला जींद, तहसील नरवाना, और भाई साहब का नाम दीपक है। तो अभी ये दो टी कौन से ब्यांत में है भाई साहब? ये दूसरी लैक्टेशन में है भाई, ऊंचा बोलो थोड़ा। दूसरी लैक्टेशन में है। अभी दूसरे ब्यांत में है, हाँ पहले ब्यांत में भी अपने पास थी, हाँ पहले बात में भी अपने घर घर की की है, है या मोहल्ले से? घर की अपनी। अपने घर की है। हाँ तो अभी दूसरी बार बच्चा दिया, हाँ दूसरी बारी बच्चा दे। अभी कितने दिन की ब्याई होगी ये? ये सुबह ब्याई है। आज सुबह भी आई है। हाँ तो इसे अभी पिछले ब्यांत में कितना दूध निकाला इसको था? पिछले ब्यांत में 16 लीटर दूध काटे अभी। पहले ब्यांत में 16 लीटर हाँ दूध निकाला है। सोलह कौन से बुल किया, कुछ पता है इस भैंस का? भाई यहाँ पे तो मोल जाए थे, उसके नीचे आई थी भैंस के नीचे। अच्छा, जिस टाइम भैंस मोल रही थी उसके नीचे ये कटिया दे। हाँ तो अभी अब ये आप देख सकते हो जोटी, वो बहुत ही शानदार जोटी है जो भाई साहब बता रहे हैं कि पहले ही ब्यांत में 16 किलो दूध दिया है। और जोटी की क्वालिटी देख सकते हो जो बहुत ही शानदार, बिल्कुल पतली चमड़ी की जोटी है, और पिट पुठे की चौड़ाई भी आप देख सकते हो जो बहुत ही शानदार। अगर फेस क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हो बिल्कुल रिंग सिंग, और फेस क्वालिटी भी जो बहुत ही शानदार है। अभी आप बच्चे को भी देख सकते हो नीचे, क्या मेल है या फीमेल है ये? मेल है भाई। ये देखिए मेल, कटड़े को जन्म नहीं दिया है जो आज ही भी आई है। कटड़ा कौन से बुल गया जी अभी नीचे? दो यो अपने का था भाई, एक बुल उसका है। अपने ही पास बुल था जो हाँ वो अभी बढ़िया था, वो हाँ 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 नरवाना कंपटीशन में भी लगाया था भाई साहब ने अभी। तो आप देख सकते हो जो टी बहुत ही शानदार है। सेल करने का विचार है या घर पे ना रख? घर पर रखना है भाई। घर पे रखोगे? हाँ भाई साहब का सेल का कोई विचार नहीं है, बिल्कुल शौकिया तौर पर घर पे रखने के लिए जो टी को दिखा रहे हैं। देख सकते हो जो टी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी है जो टी में, जो प्योर मुरई क्वालिटी होती है। तो एक बार खोल के दिखाओ भाई साहब इसे, अभी देख पाओगे जो टी खुल के चलेगी। तो बिल्कुल ये देखिए बहुत ही ज़्यादा पतली और बिल्कुल लंबी गर्दन की जो टी है। साफ सफाई की बात करें तो जो टी में बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई है। ये देखिए बिल्कुल लंबी चल के दिखाई है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है जो टी में। आप देख सकते हो बिल्कुल बहुत ही हाइट लंबाई की बात करें तो बिल्कुल बहुत ही शानदार है भैंस की। आप देख सकते हो अगर पास आके भैंस को देखेंगे तो बहुत बड़ा साइज है भैंस का। भाई साहब बता रहे हैं कि भैंस का सेल करने का कोई विचार नहीं है। अगर साइज से इसका ऑर्डर की क्वालिटी आपको दिखाएंगे तो ये देखिए जो थन बहुत ही गजब का निकाल लिया जो टीने, बिल्कुल मुठिया था। थनों का स्पेस भी देख सकते हो बहुत ही शानदार है, जो आज सुबह भी आई है खीस में जो टी है। और आप देख सकते हो एक एक क्वालिटी भैंस की, पीठ उठे की बिल्कुल सिंगल हड्डी की भैंस है और बिल्कुल पतली चमड़ी की है, पूंछ में लगभग 1.5 से 2 इंच के लगभग ही वाइट बाल है। और आप देख सकते हो ये देखिए जोटी का खड़े होने का स्टाइल भी देख सकते हो। ये देखिए ऑर्डर बहुत ही शानदार है जोटी का। तो सेल का कोई विचार नहीं भाई साहब? नहीं सेल का कोई विचार नहीं भाई। अगर कोई भाई संपर्क करना चाहे तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहोगे? हाँ लिखो, बताओ। 7065 7065 75 510 510। 510। आप देख सकते हो दीपक भाई साहब की जो टी, साथ में नंबर दिया मैंने, अगर कोई डिटेल लेना चाहता है भाई से बात भी कर सकते हो। अगर इसका सेल का विचार हो बनता है तो आप जो टी को खरीदने के लिए भी संपर्क कर सकते हो। वैसे भाई साहब जो टी को सेल करने से मना कर रहा है। भाई साहब के पास काफ़ी पशु है जो अभी जोड़ पे गए हुए हैं, ये जो टी ताजी भी आई है इसीलिए जोड़ पे नहीं खुली। तो बताना भाई साहब की जो टी कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।